वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो? एकदम बढ़िया। चलो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी में एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है देखते हैं। क्योंकि प्रूव दैट द फंक्शन f(x) = 5x - 3 कंटिन्यूस एट x = 0, x = -3 और x = 5। यानी कि x की ऐसी 2-3 वैल्यू दी गई जिसके लिए हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, वैसा हमें क्या करना है तो कि प्रूव करना है। तो यहाँ पर आपको पता है कि फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कोई भी फंक्शन वो कंटिन्यूस है या नहीं वो पता करने के लिए क्या करेंगे, तो लिमिट x → c f(x) = f(c) होना चाहिए। ओके, यहाँ पर क्या लिमिट, आपको कोई भी एक लिमिट के लिए एक फंक्शन दिया गया है तब की बात हो रही है, यानी कि इसके लिए हम a यूज करेंगे। ठीक है, मगर यहाँ पर हम एक ही लिमिट के लिए जब हमें दो फंक्शन अलग अलग दिए गए हो तो हम क्या करेंगे, क्योंकि तो इस पार्ट को LHS और RHS में क्या करेंगे, एक साइड लिखेंगे LHS साइड और RHS साइड, दोनों इक्वल होना चाहिए f(c) के इक्वल। ठीक है, तब हमारा फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस होगा। तो देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है हमें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है लिमिट फर्स्ट के लिए देखें x = 0 के लिए देखें। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि लिमिट x → 0 0 के लिए देखते हैं, लिमिट x → 0 f(x). अब तो कि f(x) हमें क्या दिया गया है, तो लिमिट x → 0 f(x) = हमारे पास है 5x - 3। यहाँ पर हम लिमिट पुट करें तो x की जगह यहाँ पर हम 0 रखें तो कि 5 × 0 - 3 यानी कि 0 हो जाएगा है, 5 × 0 = 0 होता है ना, तो -3 बचेगा, यानी कि हमारा फंक्शन जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा -3, इसके इक्वल होना चाहिए। क्योंकि तो यहाँ पर f(x) = हमें दिया गया है 5x - 3। ठीक है, तो यहाँ पर अब x = 0 रखें x की जगह, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की जगह 0 रखेंगे तो कि 5 × 0 - 3, तो यहाँ पर f(0) क्या आएगा, तो कि f(0) आएगा हमारे पास -3। तो यानी कि ये दोनों वैल्यू जो है वो क्या है, इक्वल है, यानी कि लिमिट x → 0 f(x) किसके इक्वल है, तो कि f(0) के इक्वल है। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूस। ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज ट्रू, हैंस ट्रू लिख सकते हैं। ठीक है, तो कि हैंस ट्रू। इसी तरह से यहाँ पर x = -3 और x = 5 के लिए भी देखना है ना, चलो देखते हैं। अब x = -3 के लिए देखें तो लिमिट क्या लिखनी पड़ेगी, आपको पता ही है लिमिट x → -3 f(x). ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट x → -3 का x → -3 और f(x) = क्या है हमारे पास, तो कि 5x - 3 है ना, तो कि 5x - 3। अब x की जगह लिखेंगे हम क्या, तो कि -3। ठीक है बच्चों, तो कि 5 थ्रीजा क्या होगा, 5 थ्रीजा 15, -15 होगा ना, क्योंकि -15 - 3 = होगा -18। अब इसके इक्वल क्या होना चाहिए, f(3). ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं f(x) = हमारे पास है 5x - 3। अब x की जगह हम -3 लिखे, x की जगह हम -3 लिखे, तो क्या होगा, 5 × -3 - 3, तो 5 चीजा क्या होगा, तो कि 18। मगर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर -3 मल्टीप्लीकेशन है 5 के साथ, इसलिए तो कि -3 यहाँ पर 15, तो कि -15 - 3 = होगा -18। यानी कि लिमिट x → -3 लिमिट x → -3 f(x) किसके इक्वल आ रहा है, तो कि f(-3) के इक्वल आ रहा है। ठीक है, -3 के इक्वल आ रहा है, यानी कि ये फंक्शन जो है हमारा x = -3 के लिए वो क्या है, तो कि कंटिन्यूस है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रू। इसी तरह से थर्ड, क्योंकि बहुत इजी, आपको पता ही है कि इसी तरह से x = 5 के लिए भी जो होगा हमारा फंक्शन क्या होने वाला है, तो कि कंटिन्यूस होने ही वाला है। ठीक है बच्चों, चलो अब यहाँ पर हम देखते हैं x = 5 के लिए हम चेक करें तो लिमिट क्या हो जाएगी, तो कि लिमिट जो हो जाएगी x = 5 के लिए, x = 5, तो x → 0 की जगह आ जाएगा x → 5 f(x). ठीक है, तो कि यहाँ पर लिमिट
x टेंड्स टू 5 का x टेंड्स टू 5 फंक्शन f(x) के इक्वल हमारे पास है 5x - 3। क्या है बच्चों? तो कि 5x - 3। अब x इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, तो कि x की जगह 5 लेना पड़ेगा ना, क्योंकि चलो 5 लिख देते हैं, तो 5 5 = 25 - 3। ओके, तो कि 5 5 = 25 - 3 इज इक्वल टू क्या होगा, तो कि 22 होने वाला है ना। इसी तरह से f(x) इज इक्वल टू हमें दिया गया है 5x - 3। चलो यहाँ पर 5 के चेक करो, तो कि 5 × 5 - 3, तो कि 5 5 = 25 - 3 इज इक्वल टू होगा 22। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू 5 f(x) किसके इक्वल हो रहा है बच्चों, तो कि f(5) के इक्वल हो रहा है ना, तो कि f(5) के इक्वल हो रहा है, यानी कि ये जो फंक्शन है हमारा वो क्या है, कंटिन्यूस है, ऐसा हमें प्रूव करना था। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि यहाँ पर टोटल क्वेश्चन नंबर 3 में 4 सम आपको दिए गए हैं और आपको चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, मगर किसके लिए, एक्स की वैल्यू तो आपको दी नहीं गई है ना, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, c ले लेंगे। क्या, तो कुछ तो होना चाहिए ना हमारे पास, तो x इज इक्वल टू c ले लेंगे, और c इज एनी रियल नंबर, c क्या होगा, कोई रियल नंबर होगा हमारे लिए। ठीक है, तो चलो अब चेक करते हैं, तो कि यहाँ पर लिमिट क्या रखेंगे, तो कि x टेंड्स टू c f(x). ठीक है, और यहाँ पर लिमिट हम रखेंगे x टेंड्स टू c, तो f(x) फंक्शन क्या दिया गया है, तो फंक्शन हमारे पास है x - y, और डायरेक्टली लिमिट रख देंगे, तो x की जगह c रखेंगे तो क्या होगा, तो कि c -5 होगा। अब तो कि f(x) इज इक्वल टू हमें क्या दिया गया है, x - 5 दिया गया है ना, तो कि यहाँ पर अब क्या रखेंगे, f(c), दोनों इक्वल आ गए हमारे पास। देखो f लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इज इक्वल टू क्या हो रहा है, f(c) हो रहा है, फंक्शन हमारे लिए क्या है, कंटिन्यूस है, तो कि यहाँ पर लिखेंगे f(c) इज कंटिन्यूस एट f(c). ठीक है, c क्या होगा, कोई भी रियल नंबर के लिए हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन जो होगा, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा कंटिन्यूस ही होगा। ओके, तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का बी क्या दिया गया, तो उस इस टाइप में ही दिया गया है। देखो f(x) इज इक्वल टू 1/x - 5, और x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 5। क्यों नॉट इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5 के अलावा कुछ भी हो सकती है, मगर 5 नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x की जगह हम 5 लिखेंगे, तो 5 - 5 यानी कि डिनोमिनेटर जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, 0, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो न्यूमिनेटर में कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, 50/0 फाइंड नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या ले लेंगे, तो कि x इज इक्वल टू c और नॉट इक्वल टू 5, तो 5 के अलावा कोई भी रियल नंबर c हो सकता है, तो कि यहाँ पर चलो रखते हैं, तो कि लिमिट x टेंड्स टू c f(x). ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू c का x टेंड्स टू c f(x) क्या दिया गया है, तो कि 1/x - 5, x की जगह हम c रखे तो यहाँ पर क्या होगा, 1/c - 5 होगा। ठीक है बच्चों, अब तो कि f(c) के लिए चेक करते हैं, तो फंक्शन हमें दिया गया है 1/x - 5, तो f(c) इज इक्वल टू क्या होगा, तो कि x की जगह c रख दे डायरेक्टली, तो c माइनस 5 हो जाएगा ना, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू c f(x), लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इज इक्वल टू क्या आ रहा है, तो कि f(c) आ रहा है, यानी कि c इज एनी रियल नंबर। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन जो होगा, फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू c, x इज इक्वल टू c के लिए हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूस। अब क्वेश्चन नंबर 3 में थर्ड और फोर्थ क्या दिया गया है वो देखते हैं। f(x) इज इक्वल टू x² - 25/x + 5, एंड x इज नॉट इक्वल टू -5। क्यों नॉट इक्वल टू -5, माइनस 5 लेंगे x की वैल्यू, तो डिनोमिनेटर जो है हमारा क्या हो जाएगा, 0, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर x की कोई तो वैल्यू हमें चाहिए ना, तो क्या ले लेंगे, x इज इक्वल टू c, और c इज एनी रियल नंबर -5 के अलावा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिमिट हम लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c f(x). ठीक है, तो कि लिमिट x टेंड्स टू c तो हमें लिखना ही पड़ेगा। अब f(x) फंक्शन क्या दिया गया है हमें,
क्योंकि एक्स स्क्वेयर माइनस 25 एक्स स्क्वेयर माइनस 25 ओन एक्स प्लस 5 दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या डायरेक्ट से लिख दे, नहीं बच्चों देखो यहाँ पर तो कि लिमिट एक्स टेंस टू सी यहाँ पर क्या होगा तो कि x माइनस 25 x स्क्वेयर माइनस 25 है यानी कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं तो कि x माइनस 5 यानी कि a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। आपको पता ही है पॉलिनोमियल फॉर्मूला है वो। अब देखो x प्लस 5 हो जाएगा कर तो बचेगा क्या तो कि बचेगा सिर्फ हमारे पास x माइनस एक लिमिट x टेंस टू सी x माइनस 5 यहाँ पर हम क्या करेंगे तो कि लिमिट रख देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा एक्स सी माइनस 5। अब तो कि एफ ऑफ सी चेक करते हैं, चलो क्या दिया गया है तो कि एफ ऑफ सी यहाँ पर फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 25 को हम क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 अभी आपको बताया, ठीक है बच्चों। और नीचे डिनोमिनेटर x प्लस 5 का x प्लस 5 दोनों कट हो जाएगा, ओके। तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या बचेगा सिर्फ x माइनस 5 ना, मगर यहाँ पर क्या लेना है f ऑफ c, तो f ऑफ c इज इक्वल टू सी की x की जगह c लिखेंगे तो क्या हो जाएगा f ऑफ c इज इक्वल टू c माइनस 5 यानी कि दोनों साइड जो है वो LHS साइड और RHS साइड क्या आ रही है इक्वल आ रही है क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट सॉरी एफ ऑफ सी क्या आ रहा है ठीक पर। तो यानी कि हमारा फंक्शन जो है वो क्या है कंटिन्यूस, तो यानी कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी के लिए हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। इसी तरह से डी दिया गया है मगर थोड़ा अलग टाइप का है, क्यों अलग टाइप का, क्योंकि मोड दिया गया है और मोड जब हमारे पास होगा तो एक्स की या फंक्शन हमारे पास एक के कितने हो जाएंगे तो कि दो हो जाएंगे, एक क्या होगा तो कि मोड निकलेगा तो एक फंक्शन जो है वो क्या होगा पॉजिटिव और एक फंक्शन जो है वो क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। अब कब नेगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा वो मैं आपको बताता हूँ, यानी कि एक्स की कोई भी एक्स की वैल्यू जो है वो 5 या 5 से बड़ी होगी, एक्स की वैल्यू कोई भी 5 या 5 से यहाँ पर बड़ी रखो तो क्या आएगा पॉजिटिव आंसर ही आएगा बच्चों, ठीक है। तो अब हम क्या लेंगे तो कि एक्स माइनस 5 और x की वैल्यू जो है वो 5 से छोटी आएगी तो फंक्शन जो होगा वो क्या होगा नेगेटिव होगा, यानी कि x की 5 वैल्यू के लिए कोई भी फंक्शन दो फंक्शन दिए गए तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा तो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड f ऑफ 5 के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो चलो यहाँ पर पहले तो लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस करते हैं, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ x तो यहाँ पर क्या होगा तो कि लिमिट 5 माइनस यानी कि 5 माइनस कुछ तो होगा ना तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या ले लेंगे 5 माइनस h तो f ऑफ x x की जगह क्या ले लिया बच्चों हमने तो कि 5 माइनस h ले लिया। अब x की जगह 5 माइनस h रखेंगे x की जगह 5 माइनस h तो लिमिट क्या हो जाएगी तो आप चेक कर सकते हो कि लिमिट हो जाएगी 0, ठीक है। तो कि अब क्या करेंगे तो कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 का 0, अब फंक्शन क्या था 5 माइनस तो कि 5 से कम होगा x तो क्या लेंगे तो कि a लेंगे ना तो कि यहाँ पर माइनस x x की जगह क्या लेंगे तो कि 5 माइनस h तो कि यहाँ पर 5 माइनस h और माइनस 5 का माइनस 5 ये ब्रैकेट हम सोल्व करते पहले ये ब्रैकेट हम सोल्व करते तो क्या होता है देखो ठीक से बच्चों तो कि माइनस का माइनस यहाँ पर प्लस 5 माइनस 5 हो जाएगा कर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस h हो जाएगा ना यहाँ पर हो जाएगा प्लस h, ठीक है। अब h की वैल्यू 0 पुट करो h की वैल्यू 0 पुट करो तो फंक्शन क्या हो जाएगा तो कि x लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस f ऑफ x के लिए फंक्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा 0। इसी तरह राइट हैंड साइड के लिए हम चेक करें तो लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस f ऑफ x 5 प्लस है 5 माइनस था तो क्या दिया था 5 माइनस है जब 5 प्लस होगा तो क्या लेंगे तो कि लिमिट f ऑफ x इज इक्वल टू लेंगे 5 प्लस एच। अब x की जगह हम 5 प्लस एच लिखेंगे तो लिमिट जो होगी वो क्या हो जाएगी तो कि चेंज हो जाएगी ना तो लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0।
ठीक है। तो अब लिमिट h टेंड्स टू जीरो की h टेंड्स टू जीरो और f ऑफ x 5 प्लस x होगा तो क्या लेंगे, तो कि x माइनस 5 लेंगे, तो कि यहाँ पर x माइनस 5 मगर x की जगह लेना पड़ेगा हमें 5 प्लस h और माइनस 5 का माइनस 5, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करें, 5 माइनस 5 हो रहा है यहाँ पर कट, तो बचेगा क्या, सिर्फ h बचने वाला है, क्योंकि लिमिट h टेंड्स टू 0 h h की जगह 0 रखो तो यहाँ पर राइट हैंड साइड भी क्या हो गए 0, दोनों साइड तो 0 हो गए, किसके इक्वल होना चाहिए, तो कि f ऑफ 5 के। चलो तो अब f ऑफ 5 क्या दिया गया है, तो फंक्शन हमारे पास f ऑफ 5 के लिए दिया गया है, एग्जैक्टली 5 होगा तो हम इसका यूज करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर x की जगह हम 5 लिखे तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, तो कि 0 हो रहा है, तीनों एक दूसरे की क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस f ऑफ x किसके इक्वल है बच्चों, तो कि f ऑफ 5 के इक्वल है, तीनों की वैल्यू 0 इक्वल आ रही। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 5 के लिए वो क्या है, कंटिन्यूस है, तो f ऑफ x इज कंटिन्यूस कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब हम अगले लेक्चर में देखने वाला है इक्वेशन नंबर 4, 5, 6 और 7, ओके तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। सो इफ यू गाइस हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग व्हाटएवर यू हैव स्टडीड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। And if you want to join Maths Educator, you are just one call away from the number given on your screen. And one more thing, do not forget to like, share and subscribe our YouTube channel.